नमस्कार, मैं अविनाश सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द नेटिजन न्यूज़। द नेटिजन न्यूज़ के चैनल पे आज राष्ट्रीय लोक दल के नवनिर्मित प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जयंत चौधरी जी द्वारा जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसको आप कैसे निर्वाह करेंगे, कैसे देखेंगे, जरा थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, मुझ पर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोक दल की जिम्मेदारी चौधरी जयंत सिंह जी ने दिया है और उनकी सोच है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों में मजबूत करना है। उस दिशा में मैंने अभी सदस्यता प्रारंभ हुआ है और सदस्यता हर जिले में, हर विधानसभा में कराने का फैसला किया है मजबूती से, और उसके लिए सदस्यता प्रमुख नियुक्त किया है, करने जा रहे हैं। 31 जुलाई तक हमारा प्रदेश की कार्यकारिणी पूरी हो जाएगी। कार्यकारिणी के लोगों को भी सदस्यता अभियान में लगाया जाएगा। हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारा यहाँ प्रमुख नारा होगा और उसी आधार पर हम पूरे प्रदेश में लोक दल को ले जाने का काम करेंगे। सर, जैसे कि प्रदेश में इस समय जो मेन मुद्दे हैं, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को छोड़कर हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, ज्ञानवापी वाला मामला इसमें बहुत गरमाया हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूल मुद्दों से सरकार ध्यान हटाने के लिए, ये सब भटकाने के लिए सारी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आज ज़रूरत है, देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा है, पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आप PhD किए हुए लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, उनकी उम्र ख़त्म हो रही है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही है, वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। तमाम बेरोजगारी से तंग आकर के इंजीनियर परिवार सहित जहर खा रहे हैं और सरकार इस दिशा में नहीं सोच रही है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। रोजगार का इसने वायदा करके सत्ता में आई है और उस रोजगार को मुहैया करने की दिशा में पहल करना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल इस सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ अपने संगठन की रचना करने के बाद सरकार इस दिशा में नहीं सोचती है, तो हम हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में इसके खिलाफ अपना प्रदर्शन करेंगे, रचनात्मक संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में उनकी वादा खिलाफी का पर्दाफाश करेंगे। इस समय वर्तमान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है बहुत ही चौकस है, बहुत ही नाजिर है और आए दिन हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो उन्हीं का प्रशासनिक तंत्र उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं और दूसरी तरफ महिलाओं से थाने में बलात्कार हो रहे हैं। पुलिस के लोग और थाने के लोग, कुछ तमाम घटनाएं आई, कई जिलों में आई, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। इसका मतलब सरकार की बातों का महत्व जो है इतवार नहीं प्रशासन पर है और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि इस प्रकार की घटनाएं प्रशासन के द्वारा हो रही हैं। तमाम जगह पर दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं, लूट हो रहे हैं और सरकार निष्क्रिय है, कोई पहल नहीं हो रही। सर, अभी आगामी उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें जो राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि आप लोगों का गठबंधन सपा के साथ है? राष्ट्रीय लोकदल की ये मंशा है कि देश में परिवर्तन हो, लोकतंत्र को बचाया जाए और इसके लिए एक मजबूत मोर्चा का निर्माण किया जाए। उस दिशा में लोकदल पहल करेगा और मजबूत मोर्चा तभी बनेगा जब लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल खुद मजबूत होगा, तभी मोर्चा मजबूत बनेगा। इससे एक बहुत मजबूत फ्रंट तैयार हो परिवर्तन के लिए। इस दिशा में लोकदल पहल भी करेगा, प्रयास भी करेगा और लोगों को भी जोड़ करके एक मोर्चा बनना चाहिए, इस दिशा में लोकदल काम करेगा। सर, अभी दिल्ली में ड्रोन महोत्सव मनाया, ड्रोन के ऊपर मोदी जी ने अच्छा खासा भाषण दिया और उसके इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा, और वहीं दूसरी तरफ अडानी ने एक अच्छा खासा बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी रकम ड्रोन इंडस्ट्री में लगाई है, इसका क्या कहीं कोई तालमेल तो नहीं इन दोनों के बीच? देखिए, ये सरकार जो है बड़े कारपोरेट घरानों का प्रचारक बन गई है, बड़े कारपोरेट घरानों के शिकंजे में सरकार है और इस सरकार के बनाने में, निर्माण करने में देसी और विदेशी दोनों कारपोरेट घरानों का योगदान है और इसलिए सरकार उनका कर्ज उतारने के लिए उनके उत्पाद का प्रचार करती है, उनकी स्कीमों को लॉन्च करती है जिसमें उनको फ़ायदा हो, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो ये थे रामाशीष राव जी। सर, आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अविनाश सिद्धार्थ नेटिजन न्यूज़ से, और कैमरे के पीछे थे आकाश भूषण। नमस्कार।